हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक मास्टर में। जैसा कि हमने वादा किया था, हम पार्ट टू लेकर आ गए हैं। हम लोग डिटेल एन असेंबली ड्राइंग पढ़ रहे थे, जो डिप्लोमा पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स का सेकंड सेमेस्टर का पहला चैप्टर है। पहले फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल देखा, जो कि बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर को समझने के लिए, और ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से आएगा अगर उसकी अच्छी नॉलेज होगी तो। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारा फर्स्ट पार्ट जरूर देखिए, वो देखने के बाद आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि आपने कैसा पढ़ा था और हमने कैसा पढ़ाया आपको। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, डिटेल ड्राइंग क्या होती है, असेंबली ड्राइंग क्या होती है। हम आज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इसके, हम पढ़ेंगे स्केल क्या होता है और कई चीज़ें जो हमें ज़रूरत पड़ेगी डिटेल असेंबली ड्राइंग को कंप्लीट तरीके से पढ़ने के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। Get ready for the wild life. तो चलिए दोस्तों सबसे पहले समझते हैं डिटेल ड्राइंग क्या होती है। दोस्तों यहाँ पे एक फोटो आ जाएगी जिसमें डिटेल ड्राइंग एक दी हुई है। तो सबसे पहले समझते हैं डिटेल ड्राइंग क्या होती है। डिटेल ड्राइंग दोस्तों हमारी ऐसी ड्राइंग है जिसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी रहती है एक ऑब्जेक्ट के अलग अलग पार्ट की, इंडिविजुअल पार्ट की। डिटेल ड्राइंग इज अ ड्राइंग विच प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिटेल ड्राइंग। और यहाँ पे डिटेल ड्राइंग दिख रहा होगा आपको, दो 3D ऑब्जेक्ट है हमारा, वो कैसे ओरिएंटेशन है उसका ये दिखा रखा है, कैसी शेप है वो भी दिखा रखी है 3D ऑब्जेक्ट में, उसके अलग अलग व्यूज दिखा रखे हैं, डायमेंशन कैसा है, उसकी सरफेस फिनिश, कई सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो हमें इसमें क्या क्या चीज़ें इंफॉर्मेशन हमें देनी होती है, मैक्सिमम हमें सारी इंफॉर्मेशन देनी होती है जो ज़रूरी है इसको समझाने के लिए। सबसे पहले इंफॉर्मेशन है शेप क्या है इसका, डायमेंशन क्या है, डायमेंशन क्या हो गया, मटेरियल क्या है, सरफेस फिनिश कैसी है, सरफेस फिनिश क्या है, टॉलरेंसेस क्या है, कितने पार्ट हैं, और भी दोस्तों कई सारी चीजें जैसे मैन्युफैक्चरिंग किस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बनी है, और मैक्सिमम जितनी भी डिटेल हम दे सकते हैं कंप्लीट तरीके से समझाने के लिए किसी भी ड्राइंग को वो सब देते हैं। ये एक सिंपल सी डिटेल ड्राइंग है, इसमें जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है उस ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए समझाने के लिए वो सारी दी हुई है, आप इसे थोड़ा देखें एनालाइज करें। तो ये तो दोस्तों हो गई डिटेल ड्राइंग की बात। अब चलिए समझते हैं असेंबली ड्राइंग क्या होती है। दोस्तों असेंबली ड्राइंग वो ड्राइंग होती है जिसमें हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी होती है किस चीज़ की, एक ऑब्जेक्ट एज ए होल अगर उसको देखें तो। मतलब क्या, सिंपल भाषा में एक असेंबली बनी हुई होगी, उसके अलग अलग व्यूज दिखाए जाएंगे, डायमेंशन दिखाई जाएगी और भी बहुत कुछ जो अभी हम जानेंगे। यहाँ पे आपकी इमेज आ जाएगी असेंबली ड्राइंग की, आपको दिख रहा होगा। तो असेंबली ड्राइंग कौन सी ड्राइंग है, द ड्राइंग विच प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज ए होल, अगर उसको एज ए होल देखें तो उसकी अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी हुई है तो वो असेंबली ड्राइंग है। मतलब असेंबल होके उसकी जितनी भी डिटेल है वो दिखाएं तो असेंबली ड्राइंग। तो ये तो हो गई बात दोस्तों असेंबली ड्राइंग की। डिटेल ड्राइंग और असेंबली ड्राइंग एक साथ भी यूज होता है, सिंपल चीजों में अलग अलग भी यूज हो जाती है चीजें,
अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट है तो उसकी डिटेल असेंबली ड्राइंग दोनों दिखाई जाती है ताकि मैक्सिमम क्लियरिटी हो किसी ड्राइंग को, अगर किसी और को दिखाते हैं हम तो। तो दोस्तों ये हो गई डिटेल असेंबली ड्राइंग की बात। अब समझते हैं कि अगर दो हमें डिटेल ड्राइंग दी तो उसको असेंबल कैसे करेंगे। इसके कई सारे स्टेप हैं, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको बताता जाऊंगा, लेकिन सिंपल स्टेप्स ये हैं कि सबसे पहले हमें सारे डायमेंशन को ध्यान से देखना है, शेप को देखना है, डायमेंशन हमें अपने मन में नोट कर लेना है या अलग से नोट कर लेना है कहीं पे, उनका देखना है कि ओरिएंटेशन कैसा है। और भी कई सारी स्टेप है दोस्तों जो कि मैं जब ड्राइंग बनाऊंगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा, यहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा अगर मैं ऐसे ही स्टेप गिनाता रहूँगा तो। तो ये चीज़ें हो गई डिटेल असेंबली ड्राइंग कैसे असेंबल करते हैं। तो सबसे पहले अब चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का, लेकिन उससे पहले मैं एक और बात बताना चाहता हूँ आपको कि हम इस सेमेस्टर में आपका जो सिलेबस है उसमें खाली वुडन जॉइंट्स है, आगे आने वाले सेमेस्टर में जो भी अलग अलग जॉइंट्स आएंगे उसको भी हम कवर करेंगे। अभी इस सिलेबस में वुडन जॉइंट है। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों तो इस ड्राइंग में मैं क्या क्या बताया, मैं पहले ये बता दूं, ये जॉइंट क्रॉस हाल्विंग जॉइंट कहते हैं इस जॉइंट को, क्रॉस हाल्विंग जॉइंट। क्रॉस हाल्विंग जॉइंट का क्या मतलब है दोस्तों कि एक हमारे पास ऐसा ब्लॉक है, एक ऐसा ब्लॉक है, प्लस की तरह बना रहेगा, ठीक है। इसको अगर इसको देखेंगे तो जोड़ेंगे तो प्लस का ही साइन बनेगा, इसलिए क्रॉस हाल्विंग जॉइंट। हाफ और हाल में क्या अंतर है आपको पता ही होगा, हाफ का मतलब आधा, हाल का मतलब दो काट के एक अलग अलग पार्ट होता है उसको आधा कहा जाता है। तो ये अलग अलग पार्ट है इसलिए क्रॉस हाल्विंग जॉइंट हो गया। ये तो चलो इंग्लिश की बात है, हमें क्रॉस हाल्विंग जॉइंट दिया हुआ है, ये डिटेल ड्राइंग है, हमें बोला गया इसकी टॉप एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन और साइड एलिवेशन बनाना है, मतलब फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू बनाना है और हमें सारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाना है। ये सबसे दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाना है, हमें तीनों व्यू बनाने हैं, टॉप व्यू, साइड व्यू और फ्रंट व्यू। और दोस्तों ड्राइंग बनाने से पहले एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए कोई भी ड्राइंग बनाने के लिए, स्केल क्या होता है। तो चलिए समझते हैं पहले स्केल क्या होता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। दिख रहा होगा दोस्तों आपको स्केल क्या होता है, सबसे पहले जान लेते हैं कि होता क्या है। तो पेपर डिस्टेंस अपॉन एक्चुअल डिस्टेंस, पेपर डिस्टेंस अपॉन एक्चुअल डिस्टेंस स्केल होता है। ये एक फ्रैक्शन है पेपर डिस्टेंस और एक्चुअल डिस्टेंस की। दोस्तों आप कहेंगे एक्चुअल डिस्टेंस और पेपर डिस्टेंस की क्या जरूरत है, क्या है ये और स्केल की क्या जरूरत है। तो दोस्तों स्केल मान लीजिए अगर आपके पास 100 किलोमीटर लंबी रोड की ड्राइंग बनानी है आपको या कोई बड़ी बिल्डिंग की ड्राइंग बनानी है, तो क्या आप बिल्डिंग इतनी बड़ी शीट लेके आएंगे, बिल्डिंग इतनी बड़ी ड्राइंग बनाएंगे उतनी बड़ी शीट पे तो उसके डायमेंशन उतने ही लेंगे? ऐसा नहीं होता दोस्तों, जितनी बड़ी हमारी शीट है उतने पे ही हम बनाएंगे, लेकिन उसको श्रिंक कर देंगे। वो श्रिंक कितने रेशियो में करेंगे, ये वही है। मान लीजिए 50 सेंटीमीटर की एक लाइन है, मैं चाहता हूँ इसको श्रिंक करके मैं 1 सेंटीमीटर के बराबर ले लूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, पेपर डिस्टेंस में 1 लेना चाहता हूँ, अगर 1 लेना चाहता हूँ अगर कोई भी डायमेंशन 50 है, तो मतलब 50 यूनिट का मैं 1 यूनिट लूंगा, ये चाहे सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, कोई किलोमीटर में भी हो सकता है, मर्जी है आपकी, स्केल आप
50 गुना छोटा कर रहे हैं अपनी ड्राइंग को, तो क्या करेंगे 50 सेंटीमीटर को इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास पेपर डिस्टेंस आ जाएगा। तो जैसे ये 50 सेंटीमीटर है, इसको हमारा फ्रैक्शन स्केल वहाँ पे 1/50 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा और 1 आ जाएगा। ये हमारा पेपर डिस्टेंस है। ये हमारा एक्चुअल डिस्टेंस था 50, पेपर पे हमने 1 बनाया। अगर मान लीजिए 150 होगा तो 150 सेंटीमीटर या एमएम, इस बार एमएम होगा तो इसको भी हम अपने स्केल से फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमने स्केल लिया है। जैसे ही हम 1/50 से मल्टीप्लाई करेंगे अपने फ्रैक्शन, तो ये 3 आ जाएगा। मतलब 3 क्या है हमारा, ये भी पेपर डिस्टेंस है, और 150 क्या था, ये एक्चुअल डिस्टेंस था। 150 एमएम को हमने 3 एमएम ले लिया यहाँ पे अपनी ड्राइंग में। तो दोस्तों क्या करेंगे, ये हमारी एक ड्राइंग शीट है, ये हमने 50 एमएम को 1 एमएम कर लिया, इस वाले 50 को 1 एमएम यहाँ पे दिखा दिया मैंने। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 एमएम नहीं लिखेंगे, जब हम ड्राइंग बनाएंगे उसकी लेंथ तो हम 1 एमएम लेंगे, श्रिंक करने के बाद लेंगे, इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो लेंगे, लेकिन इसके ऊपर लिखेंगे 50 ही है, 1 एमएम 1 सेंटीमीटर का, लेकिन लिखेंगे इसके ऊपर 50। क्यों, क्योंकि देखने वाले को पता चल जाए कि ये 50 सेंटीमीटर की लाइन थी। आप यहाँ पे अपना रेशियो भी लिख देंगे कि 1:50 में मैंने स्केल लिया है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इस डब्बे को स्केल हमारा 1:50 हो गया, ये हमारा स्केल है 1:50। तो हमें लोग देखते ही समझ जाएंगे, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देना है, इस लेंथ जो लेंथ वो नापेंगे इसे 1 सेंटीमीटर देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा ये 50 सेंटीमीटर की लाइन है। 150 की जब हम लेंथ बनाएंगे तो कितनी बनाएंगे, जो हमारी 3 आई है वो 3 सेंटीमीटर, लेकिन 3 ना लिख के हम इसके ऊपर 150 सेंटीमीटर लिख देंगे, एमएम था तो एमएम लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गई स्केल की बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में मैं आपको एक 1:2 का स्केल बता के दिखा दूंगा, वैसे इसकी डायमेंशन काफी छोटी है। दोस्तों एक बात और, यहाँ पे आपको क्वेश्चन की इमेज आ जाएगी जिसमें क्वेश्चन अच्छी तरह से बना हुआ है और वहाँ पे डायमेंशन भी सारी दी हुई है। मैंने एक रफ स्केच बनाया हुआ है यहाँ पे ताकि मैं आपको समझा सकूँ इसका। ये स्केल की बात हो गई, इस क्वेश्चन में मैं एक छोटा सा स्केल ले लूंगा 1:2 का, उससे आपको पता चल जाएगा ड्राइंग में कैसे यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गई स्केल की बात, अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, अगर नहीं लिया तो पीछे जाके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी ना किया होगा आपने तो। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं आज। पहला क्वेश्चन, ये क्रॉस हैविंग जॉइंट है, फर्स्ट एंगल में हमें इसके अलग अलग व्यू बनाने हैं, ये डिटेल ड्राइंग दे रखी थी हमको, तो इसको कंप्लीट करना है हमको अपने व्यूज बनाकर। तो दोस्तों इसे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाना है, ये भी क्वेश्चन में दिया रहता है, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और किस एंगल में बोल रहा है वो जरूरी है। ये फर्स्ट एंगल में है, हमने फर्स्ट और थर्ड एंगल कंप्लीट किया पार्ट वन में, उसको जरूर देखें, अगर नहीं देखा तो ये फर्स्ट एंगल में दिया, वैसे मैं रिवाइज कर देता हूँ उन बच्चों के लिए अगर उन्हें थोड़ा भी डाउट है तो। फर्स्ट एंगल में हमारा मान लीजिए एक टॉप व्यू होता था, टॉप व्यू के ऊपर फ्रंट व्यू होता था, इधर वाली अगर इधर से देखेंगे मान लीजिए ये मेरा लेफ्ट है, लेफ्ट से देखेंगे तो राइट में बनेगा साइड व्यू, राइट से देखेंगे तो लेफ्ट में बनेगा साइड व्यू। ठीक है, ये हो गए सारी व्यूज की बात, ये हो गया फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। थर्ड की यहाँ पे बात नहीं है, जैसे ही थर्ड का आएगा
मैं आपको वहां पे भी रिवाइज करके बता दूंगा। ये हो गई, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में बहुत ज्यादा जरूरत है। थोड़ा भी आपको आता रहेगा तो काफी अच्छे से समझ में आएगा, और थोड़ी विजुअलाइजेशन भी होनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरा समझ में आए। एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो मैं इसमें स्केल लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके डायमेंशन छोटे हैं और वैसे भी छोटा ही बनेगा, सारे डायमेंशन एमएम में इसमें। तो लेकिन फिर भी स्केल कैसे यूज करेंगे क्वेश्चन में मैं बता देता हूँ। हम यहाँ पे स्केल लेने वाले हैं 1:2, मतलब अगर एक्चुअल डिस्टेंस 2 रहेगा तो मैं 1 मानूंगा उसको, 2 यूनिट को 1 यूनिट मानूंगा। 2 एमएम रहेगा तो 1 एमएम, 2 सेंटीमीटर रहेगा तो 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रहेगा तो 1/2 से गुना कर दूंगा तो 5 सेंटीमीटर बन जाएगा वो। इस तरीके से 1/2 से हमें सबको गुना कर देना सारे डायमेंशन को, और जो आएगा उतनी लेंथ का बना के एक्चुअल जो डायमेंशन होगा वही लिखेंगे। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये हमारे पास 2 ब्लॉक हैं, एक सी ग्रुप, 2 ब्लॉक है हमारे पास। ये वुडन ब्लॉक है, ये सी सेक्शन कटा हुआ है, इसमें सी ग्रुप कटा हुआ है, और ये 50 का है, ये पूरा 40 का, ये 50 का, ये दिख रहा होगा मेरे हिसाब से आपको, ये भी 50 का है। मतलब ये सी ग्रुप सी सेक्शन कितने का है, 50 का, और इसकी विड्थ भी 50 है, मतलब, और इसकी हाइट भी 50 है, इसकी भी हाइट 50 है, मतलब अगर इसको यहाँ फिट करेंगे तो क्या होगा, ये वाला डॉट यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इसकी विड्थ 50 है, इसकी भी विड्थ 50 है। अगर ये पूरा मतलब वहां तक चला जाएगा, ये 50, ये इसके पास आ जाएगा, सेट हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये वाला पॉइंट कहाँ तक जाएगा, ये पूरा कवर करेगा या थोड़ा बाहर की साइड निकला रहेगा। तो देखिए दोस्तों, ये पूरा 40 है, ये भी पूरा 40 है, क्योंकि असेंबली करते टाइम हमें अपने मन में ये सारी डायमेंशन देखनी है कि कैसी। सबसे पहला स्टेप यही था कि हम पहले डायमेंशन देखेंगे, और अगर हमारे पास इक्वल डायमेंशन की चीजें आपस में फिट हो जाएंगी तो पहले हम डायमेंशन देखेंगे। ये 50, इसकी हाइट 50 है, इसकी हाइट 50 है, क्योंकि ऐसे ही फिट होगा बिल्कुल इसी ओरिएंटेशन में, और इसकी विड्थ 50 है, इसकी भी विड्थ 50 दे रखी है, ये जाके वहां फिट हो जाएगा। ये वाला एच यहाँ से यहाँ तक 20 दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ये भी 20 दिया हुआ है, मतलब, और यहाँ से ये पूरा 40 है, तो यहाँ से आधा भी 20 हो जाएगा, इसका आधा भी 20 हो जाएगा, ये भी 40 है, मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट उसके बिल्कुल अपोजिट में नीचे आ जाएगा, ये वाला एच बता दिया मैंने, ये वाला नीचे आ जाएगा, इसके उधर वाला इधर आएगा, मतलब ये पूरा इसमें फिट हो जाएगा, और ये वाला पूरा पार्ट इसके ऊपर पूरा कवर कर देगा ऊपर से। तो दोस्तों सबसे पहले हम फ्रंट व्यू बना रहे हैं, किसी भी ड्राइंग में हम कोशिश करते हैं कि फ्रंट व्यू पहले बनाएं। तो फ्रंट व्यू बनाने का सबसे मेन तरीका, कौन सी साइड को फ्रंट व्यू लें, सबसे पहला क्वेश्चन। तो फ्रंट व्यू लेने से पहले हमें वो वाली साइड लेनी होती है जो सबसे ज्यादा डिटेल देती है हमें। मान लीजिए दोस्तों, अगर इधर से देखें तो पैरेलल लाइट बीम डालते हैं, मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया कैसे लेते हैं प्रोजेक्शन, पैरेलल लाइट बीम डालेंगे या पैरेलल लाइन डालेंगे और देखेंगे तो सिर्फ इसी पे, इस वाले फेस पे लाइट पड़ेगी तो यही दिखेगा खाली इस साइड से, और इस साइड से इस ब्लॉक पे डालेंगे तो यही वाला फेस दिखेगा पूरा, बस सी टाइप का पार्ट दिखेगा। तो मतलब इस पार्ट में इस ब्लॉक का तो कुछ सिर्फ यही दिखा जो हमारे किसी काम का नहीं है, ये ज्यादा काम का है उतना ज्यादा नहीं है, और इस वाले पार्ट में सिर्फ ये फेस दिखा। तो दोस्तों अब हम इधर से देखने की कोशिश करते हैं, इधर से हमें ये पूरा फेस दिखेगा, इसका भी फेस दिखेगा पूरा, हमें इसकी ये एज भी दिखेगी क्योंकि तो पूरा फिट हो जाएगा, इसकी एज भी दिखेगी, तो मतलब ज्यादा डिटेल हमें इधर से मिल रही है। तो हम इधर वाले को फ्रंट व्यू बना रहे हैं, इधर से देखने पर फ्रंट व्यू ले रहे हैं, स्केल हमारा 1:2 है। तो दोस्तों आपको ड्राफ्टर सेट कर लेना अपना, और एक शीट के पैरेलल ड्राफ्टर सेट कर लेना आपको,
और अब देखिए सबसे पहले हमें कौन सी चीज आसान पड़ेगी, पहला स्टेप क्या, कहाँ से बनाए ड्रॉइंग। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी चीज दिखेगी और कौन सी सबसे सिंपल चीज है। ये पूरा फेस दिखेगा, इसमें कोई भी अलग चेंज नहीं आएगा, पूरा ये फेस दिखेगा, ये फेस दिखेगा, ये वाला फेस दिखेगा और ये उसके ऊपर कवर हो जाएगा। असेंबल करके अपने मन में सोचना है, ये वाला ये दिखेगा, उसके पीछे का नहीं दिखेगा। सबसे सिंपल हमारे ये है, एक सिंपल रेक्टेंगल होगा, ये 50 mm का, 140 mm का। तो सबसे पहले हमें ड्राफ्टर सेट कर लेना है और हमें 140 mm था तो स्केल से 1/2, जैसे हमारा 140 है, इसको 1/2 अपने स्केल से मल्टीप्लाई करके 70 mm आ गया। तो पेपर डिस्टेंस 70 mm का हमें ये बनाना है। अब रेक्टेंगल 70 mm लेके लिखेंगे कितना, 140 mm ही लिखेंगे यहाँ पे। और सारी ड्राइंग दोस्तों आपको H4 पेंसिल से बनानी है, अभी मैं बताऊंगा कि कौन सी किस पेंसिल से बनानी है। तो ये हो गई एक लाइन। अब हमारी ये वाली 50 mm है लिखा हुआ है, आपको उस ड्राइंग में भी दिख सकता है डायमेंशन, उसमें देखेंगे तो अच्छे से दिखेगा। मैंने यहाँ काम चलाओ लिख दिया है ताकि समझ में आया आपको। तो ये 50 हो गई, फिर हमें रेक्टेंगल दिखेगा। 50 का क्या लेना है, 50 है तो इसको 1/2 से गुना कर देंगे तो 25 लेना है। 25 की लाइन ड्रॉ कर लेनी है आपको mm की, और इस पे लिखेंगे लेकिन 50 mm, 50 mm लिखेंगे ऐसे ही करके। अब इस पॉइंट से सीधा पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देनी है बगल वाले के, और इस पॉइंट से भी एक नीचे वाले के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देनी है। हमारा ये वाला इसका फेस बन गया, ठीक है दोस्तों। अब ये फेस बन गया, अब हम सोचते हैं कि दूसरे वाला कैसे बनाएं। जो सबसे सिंपल है पहले हमने वो ड्रॉ कर लिया। अब देखिए दोस्तों जब ये वाला ब्लॉक फिट होगा, अब ये सी सेक्शन कहाँ से कटा हुआ, ये वाला पॉइंट कितनी ऊंचाई पे, ये नहीं दिया हुआ हमें, या कितनी नीचे है ये नहीं दिया हुआ, और इसमें भी नहीं दिया हुआ। तो हम सिंपल क्या मानेंगे कि ये सेंटर में है, क्योंकि क्रॉस हैविंग जॉइंट है, बना देते हैं सेंटर में दिया हुआ, इसीलिए हमें नहीं दिया हुआ। नहीं तो हमें अगर थोड़ा भी ऑफसेट ऊपर नीचे होता तो हमें दे देता कितनी हाइट पे है, या ऊपर से कितनी हाइट पे है, या सेंटर पे इससे कितनी नीचे ऊपर है। तो दोस्तों हम इसे सेंटर पे ले रहे हैं, तो ये पूरा 140 है। मैं एक हल्की सी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा, इसके नीचे 70, इसके नीचे 70। तो ये वाला सेंटर, ये थोड़ा सेंटर से इधर हट गया, मतलब हाफ। इस पॉइंट से अगर देखें तो 70 ऊपर 70 नीचे, ये 50 था तो 25 ऊपर 25 नीचे, ये दोनों पॉइंट। तो क्या करेंगे, ये ऐसे ही फिट होगा और ये बिल्कुल इसके सेंटर पे फिट होगा, बताइए। आधा आधा आधे वाले लाइन, इसको अगर आधा काटे तो वो लाइन इससे पास होगी अगर जॉइंट असेंबली करने के बाद। तो क्या करेंगे, एक सेंटर लाइन ले लेंगे यहाँ पे, कितनी पे, 140, हमने 70 का खींचा था तो 35 पे ले लेंगे 70 के आधे पे। तो एक लाइन हमें H4 से ही ले लेना है यहाँ पे, इसको आधा आधा पार्ट में बांटते हो, मतलब यहाँ से 35 ले लीजिए, यहाँ से 35, दोनों तरफ से बराबर आएगा। अब देखिए दोस्तों ये पूरा 50 है और ये वाला पॉइंट, इसका आधा वाला पॉइंट यहाँ पे जॉइंट होगा, 25 ऊपर 25 नीचे, इससे 25 ऊपर 25 नीचे, ये 25 ऊपर 25 नीचे, मतलब आपको 25 का तो दोस्तों ये हम डायमेंशन की बात कर रहे थे, ये हमारा 25, अगर इसको ऊपर लेना है तो क्या करेंगे, 25 लिख के इसको 1/2 कर देंगे। 25 का आधा कितना होगा दोस्तों, हम 2 से काट लेंगे, 2 × 4 = 12.5 × 2 = 25, तो 12.5 ऊपर 12.5 नीचे, लेकिन लिखना नहीं है दोस्तों इसको, हम 50 है वहां पे तो 50 ही लिखेंगे इस पूरे को, यहाँ से 25 से तो 12.5 लेके इसे 25 ही लिखेंगे अगर लिखना होगा तो। दोस्तों
तो वो एक पैरेलल लाइन है, ये इसके ऐसे आएगी हॉरिजॉन्टली, तो इसके पैरेलल हमें एक लाइन बना देना है। ये डायमेंशन में मिटा देता हूँ दोस्तों अभी के लिए, आपने देख लिया ये, ये हमें इसके पैरेलल लाइन बना लेनी है 12.5 12.5 ऊपर, ठीक है। अब हमें इस सेंटर से, वो भी 140 है तो यहाँ से 70 इधर, मतलब 70 का आधा करके देख लीजिए आप 35, तो इधर से 35 डायमेंशन लेकर आपको बना देना है और यहाँ से सीधी लाइन डाल देनी है 35 पे, यहाँ से 35 पे सीधी लाइन, यहाँ से 35 पे सीधी लाइन, ठीक है। क्योंकि 70 इधर से 70 आएगा, इधर से 70, तभी 140 वहाँ दिखाना पूरा 140 लेंथ का है। तो ये दोस्तों हमारी हो गई साइड व्यू की बात, मतलब फ्रंट व्यू की बात। तो ये हमारा हो गया फ्रंट व्यू। अब दोस्तों ये तो फ्रंट व्यू हो गया, लेकिन ये वाली जो पीछे वाला पार्ट है हमारा, इसका ये लाइन और ये लाइन नहीं दिखेगी, तो इसे हमें क्या करना है, हिडन लाइन से दिखाना है। हिडन लाइन आपको पता है कैसी होती है, इसको ब्रेक कर करके बना देंगे तो हिडन लाइन बन जाएगी। और सेंटर लाइन कैसे बनाते हैं दोस्तों, ये तो हमने ऐसे ही अपने रेफरेंस के लिए ली थी, अगर सेंटर लाइन बनानी होती तो हम ऐसे बनाते, एक लंबा एक छोटा, एक लंबा तो ज्यादा ही लंबा हो गया, एक छोटा एक लंबा, एक लंबा छोटा, एक लंबा एक छोटा। यहाँ पे जरूरत नहीं थी उस सेंटर लाइन की, तो मैं मिटा देता हूँ, ये तो हमने अपने रेफरेंस के लिए लिया था ताकि हम बना पाए, ये सब भी मिटा दीजिएगा दोस्तों। तो ये हमारी हो गई फ्रंट व्यू। अब इसका टॉप व्यू कैसे बनाएंगे, टॉप व्यू का मतलब ऊपर से देखने पर कैसा बनेगा। तो इसको देखेंगे ऊपर से तो ये वाला पार्ट दिखेगा, इसको ऊपर से देखेंगे तो ये सी वाला फेस दिखेगा इसका, ठीक है दोस्तों। तो हम इसका टॉप व्यू बनाने वाले हैं। टॉप व्यू बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसे प्रोजेक्शन लाइन ले लेनी है पैरेलल। तो हमें सीधा ड्राफ्टर सेट है हमारा, तो हम इसके पैरेलल एक H4 पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया अपने रेफरेंस के लिए, ये हमारी काफी हेल्प करेगा टॉप व्यू में, और आप देखेंगे साइड व्यू में हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी डायमेंशंस की, डायरेक्ट हो जाएगा। तो हमें दोस्तों क्या बनाना है, सबसे पहले हमें ये वाला पार्ट कहाँ बनेगा ये हम बना सकते हैं पहले, लेकिन हमें ये ज्यादा आसान लगेगा बनाने में, क्योंकि एक रेक्टेंगल है सिंपल, और इसमें एक जगह बीच में सी सेक्शन है, और वहां पे सी सेक्शन कहाँ से लेना है, उसकी प्रोजेक्शन लाइन भी आई हुई है जैसे ऊपर दिखाया हमने। तो हम इस फेस को बना देंगे 140 का और 140 का। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमें सीधे ड्राफ्टर से, हमारे पास है ही ड्राफ्टर सेट, सीधा एक लाइन ड्रॉ करेंगे और 40 सेंटीमीटर नीचे, सेंटीमीटर दोस्तों सारी एमएम में 40 एमएम, इधर 100, इस डायमेंशन को लेने की जरूरत नहीं क्योंकि इसी ब्लॉक का टॉप व्यू देख रहे हैं, तो इसी को टॉप व्यू देख रहे हैं पहले। तो ये बन गया, ये डायमेंशन हमारे पास है, ये 40 था तो 40 का आधा कर लेंगे 20 आ जाएगा, पेपर डिस्टेंस 20 है लेकिन लिखेंगे यहाँ पे 40 ही, ठीक है दोस्तों। अब हमारी वो वाली सेक्शन बीच में, इसका सी पार्ट भी दिखेगा, हमारे पास प्रोजेक्शन लाइन है कहाँ से दिखेगा, तो हम क्या करेंगे ये बना के आधे पे ये लेके ये बना देंगे। ये तो हो गई ऊपर वाले पार्ट की बात, हॉरिजॉन्टल पार्ट की बात। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस ऑब्जेक्ट की, इसको देखेंगे तो ऊपर से खाली ये दिखेगा, ये इतना बड़ा है, इसको ऊपर से देख रहे तो ये इसको पूरा कवर कर लेगा, ये इसको पूरा कवर कर लेगा ये वाला पार्ट, ठीक है दोस्तों। और ये नीचे जो ये वाली एज है सी सेक्शन वाली, ये नहीं दिखेगी, तो इसको क्या करेंगे हिडन लाइंस में कन्वर्ट कर लेंगे, आप हिडन लाइंस बना दीजिएगा। तो ये हमारी क्या हो गई टॉप व्यू। टॉप व्यू अब हमने ये देखा कटा हुआ पार्ट है, तो उधर
मटेरियल दिखाने के लिए इसको ऐसे शेड करेंगे ताकि हमें पता चले, क्योंकि डिटेल ड्राइंग में क्या होती थी दोस्तों, मटेरियल भी बताते थे, उसको सरफेस फिनिश कैसी है भी बताते थे, तो इसकी ऐसी है तो हम ऐसे ही इसको बना देंगे। आपको ऐसे बनाना है वुडन, तो हमें दिखाना है कि वुडन ब्लॉक है, वो भी कटा हुआ पार्ट है, तो ऐसे दिखाना है। वैसे भी कहीं वुडन वुड का पार्ट कटा हुआ देखते होंगे तो आपको ऐसे ही दिखता होगा, क्योंकि वो ऐसे काटते हैं तो उसका निशान आ जाता है आली से गोल वाली। तो दोस्तों और ये हिडन लाइन हमें दिखानी है, ये इस पे ऊपर भी हमें दिखानी है ताकि हमें डिटेल जितनी मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं ड्राइंग को खराब किए बगैर उतनी ऐड कर दें। ये तो हमारा दोस्तों हो गया टॉप व्यू। तो क्या हो गया ये हो गया टॉप व्यू। अब हमें इसका साइड व्यू बनाना है। साइड व्यू मतलब इधर से हमने इधर से फ्रंट व्यू लिया, इधर से टॉप व्यू, टॉप व्यू और इधर से साइड व्यू, एक ही साइड बची है तो इधर से साइड व्यू लेंगे तो इस सेक्शन का ये वाला पार्ट दिखेगा खाली और इस सेक्शन का सी वाला पार्ट दिखेगा। तो सबसे पहले हमें साइड व्यू बनाने से पहले एक कहीं पे एक सीधी लाइन डाल लेंगे, ड्राफ्टर हमारा सेट है उसके पैरेलल, और एक ऐसे लाइन डाल लेंगे जो नहीं भी जुड़ा हो हल्की सी H4 पेंसिल से, अभी तक हम बना रहे हैं। तो दोस्तों क्या करना है हमें, इनकी प्रोजेक्शन ले लेनी है इस लाइन तक हल्की सी H4 पेंसिल से, यहाँ से आ रही है तो ड्राइंग को ख़राब किए बगैर यहाँ तक आ गई हमारी प्रोजेक्शन। अब हमें किसी एक एंगल पे 45 जनरली 30 से 60 70 तक ले सकते हैं आप, हमें एक पैरेलल लाइंस इस के ड्रॉ 45 एंगल पे बना के ड्राफ्टर और पैरेलल लाइंस इससे ज्वाइन करते हो बना देंगे। ये हो गई दोस्तों पैरेलल लाइंस, ये थोड़ी छोटी हो गई है, यहाँ पे आनी चाहिए थी लेकिन आप बना देते हैं इसको। ये पैरेलल बनानी है आपको और आप इसके होते हुए ये ड्राइंग हमने जैसी बनाई है उसी के पैरेलल प्रोजेक्शन लाइन बना देंगे, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ी टेढ़ी हो गई मेरी ड्राइंग, इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं। ऐसे ले लेना है हमारी ड्राइंग जितनी बड़ी है, ये प्रोजेक्शन लाइन है H4 पेंसिल से, ये हल्की हल्की दिखेगी और ये दिखना भी जरूरी है तभी टीचर ज़्यादा नंबर देंगे आपको, नहीं तो काट लेते हैं अगर ये ना हो तो। तो अब हमें क्या करना है, इसकी प्रोजेक्शन ले ली, अब इसकी प्रोजेक्शन ले ली है तो इसके हर एच के पैरेलल एक लाइन डाल देने और पैरेलल टेढ़ी होगी। हम कोशिश करेंगे दोस्तों कि ऑटो कैड या शीट पे बना के दिखाएं आप बाद में आपको, जिससे आपको विजुलाइज करने में आसानी हो। तो दोस्तों ये हमारी प्रोजेक्शन लाइन हो गई, इससे कितना हेल्प मिलेगा हमको अभी आपको पता चलेगा। तो दोस्तों पहले हम ये वाला फेस बनाते हैं, ठीक है, ये हमें ऐसे दिखेगा, सी सेक्शन इधर की साइड है तो उसको इधर की साइड बनाएंगे। तो देखिए सारी डायमेंशन इसमें आपको दिख जाएगी, ये इतना मोटा है तो ये भी इतना ही है, क्योंकि इसी का हम क्या कर रहे हैं, ये जितना इसकी विड्थ है उतनी इसकी भी विड्थ होगी, क्योंकि वो भी 40 है वो भी 40 है, और ये जितना ऊंचा है उतना ही ऊंचा हमारा ये भी बनेगा, क्योंकि ये भी 140 mm है, ये वाला यही वाला तो है, ये वाला एलिमेंट इसी का तो साइड भी देख रहे हैं पहले हम। तो हम क्या करेंगे, प्रोजेक्शन लाइन की हेल्प से जैसी हमारी ड्राइंग बनेगी, दिख रही है वैसे बना देंगे। ये हमारे उस पार्ट का साइड व्यू है, ये वर्टिकल पार्ट का ये वाला साइड व्यू हो गया। अब हमने इसकी हाइट इससे ले ली, इसी प्रोजेक्शन इसकी विड्थ इससे ले ली, और इसका सेंटर वाला पार्ट हमने पहले से ही ले लिया था, 20 होगा ये 20 होगा अपने आप आ जाएगा। तो दोस्तों ये होगी एक पार्ट की बात, अब इस वाले पार्ट की देखेंगे तो इसका खाली ये वाला फेस दिखेगा और ये वाला फेस इसको पूरे को कवर करेगा। तो हम क्या करेंगे,
अब इस वाले फेस का इधर से देख रहे हैं हम, इधर से क्योंकि फर्स्ट एंगल में अगर इधर से ड्राइंग देखते हैं तो इधर छपती है, इधर से देखेंगे तो उधर छपेगी, तो वहाँ पे खाली एक ही व्यू हमें पता है साइड व्यू, और उल्टी साइड से तो हमें पता नहीं कैसे दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा सिंपल है, तो इसलिए तीन व्यू ले रहे हैं हम इसमें। तो ये पूरा एज दिखेगा, वुडन वाला पार्ट दिखेगा उस वाले का, इस वाले का इधर से देखेंगे तो इस वाले का, तो इतना ही बड़ा बन जाएगा ये। देखें दोस्तों इसमें हमें डायमेंशन भी नहीं लेनी पड़ी, प्रोजेक्शन लाइंस कितनी यूजफुल हैं, और हमें अब देखिए ये वाला पार्ट इसके ओवर ऊपर आ जाएगा और ये वाले पार्ट को हाइड कर देगा, तो हमें क्या करना है इस वाले को हिडन लाइंस में कन्वर्ट कर देंगे। आपको बनाना है मेरे पास तो मार्कर है, इसीलिए मैं इसको मिटा के बना देता हूँ, आपको पूरा बनाना है। तो ये हो गई दोस्तों, और इसका साइड व्यू कौन सी हो गई, जब हमने वेस्ट तरफ से ईस्ट की तरफ देखा, वेस्ट से ईस्ट वाला, ये उधर से देखेंगे तो इधर छपेगा, इधर से देखेंगे उधर छपेगा, यही मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। ये हो गया फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू, ये साइड व्यू। अब दोस्तों जैसे हमने इधर वुडन दिखाया था कि ये वाला पार्ट हमें ऊपर से ऐसे वुडन की तरह दिखेगा शेड, तो इसमें भी देखिए दोस्तों जब हम इसको देखेंगे तो इसका ये वाला पार्ट दिखेगा, हमें इसको वुडन शेड करना पड़ेगा। क्यों दोस्तों ऐसी वुडन शेड है ये सब, क्योंकि ये एक बहुत बड़े ब्लॉक का पार्ट होगा और उसको काट के छोटे छोटे पार्ट बनाए गए होंगे, ये तो बात की बात है, लेकिन हमें ड्राइंग में ऐसा ही दिया हुआ था तो हम इसीलिए ऐसे बना देंगे बिना सोचे समझे। ये वाला पार्ट हमें ऐसे दिखेगा, ये हो गया दोस्तों फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, इस डिटेल ड्राइंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब दोस्तों क्या करना है, इसकी सबकी डायमेंशन दिखानी है, डायमेंशन भी दिखाना आपको फर्स्ट टाइम में बताया, आपको पता होगा, नहीं तो फिर हम इसकी भी ड्राइंग इसकी वीडियो बना देंगे, डायमेंशन कैसे बनाते हैं दिखाते हैं किसी चीज की। ये सारी आपने जो टॉप साइड बना व्यूज बनाई है इसको अब क्या सारी H4 पेंसिल से बनाई है, अब क्या करना है आपको दोस्तों अच्छी तरह शार्प करके HB पेंसिल और इस सबको डार्क करना है, खाली जो हमारी मेन मेन फिगर है हिडन लाइंस को भी डार्क करना है आपको, पूरा हाईलाइट करना है, जितना अच्छी तरीके से आप इसको हाईलाइट करेंगे और नीट और क्लीन होना चाहिए, इस पूरे को हाईलाइट करना है। वुडन पार्ट को आप H2 H3 पेंसिल से दिखा सकते हैं, लेकिन मेन ड्रॉइंग है हमारी, इसको हाईलाइट करना है और HB से इसको भी बना दीजिएगा ताकि ये भी लगे कि मेन ड्रॉइंग का पार्ट है, इस पूरे को भी हाईलाइट करना है। और जब आप हाईलाइट करेंगे, अगर आपको 6 नंबर मिलते थे तो आपके सीधा 9.5 हो जाएंगे, 9, 10, 10 भी दे सकते हैं अगर टीचर खुश हो गए तो आपसे, टीचर देना नहीं चाहते पूरे के पूरे नंबर, तो 9.5, 9 आपके कन्फर्म हो जाएंगे। तो ये हो गई हमारा आज का पहला क्वेश्चन और ये उसके व्यूज। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कोई भी छोटे से छोटा डाउट हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछें, हम कोशिश करेंगे कि हर एक कमेंट का अच्छे से रिप्लाई करें। तो दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि अपना सेटअप और अच्छा करें, आपको ऑटो कैड में भी दिखाएं इसका 3D फिगर घुमा घुमा कर रोटेट करके कैसे समझने के बाद दिखेगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, नमस्ते।